नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। और वक्त हो चला है खास खबर का। लोहावट के विश्वास के पुराने बाजार में स्थित विश्नोई समाज के ढाका गोत्र की कुलदेवी राही सती के मेले में गुरुवार को देश भर में फैले ढाका गोत्र के हजारों लोगों ने शिरकत की। कुछ साल पूर्व में यह वार्षिक कार्यक्रम एक स्नेह मिलन मात्र था, लेकिन गत कई वर्षों से इसमें हजारों श्रद्धालुओं के आने से ही कार्यक्रम एक विशाल मेले में तब्दील हो गया है। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व में लोहावट से हजारों लोगों ने घनी आबादी की वजह से पलायन किया था। यहां से हजारों परिवार, जिनमें अधिकतर किसान थे, वो जालौर और बाड़मेर जिले में जाकर बस गए और वहां से भी आगे व्यापार के सिलसिले में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित देश के कोने कोने में जाकर बस गए। लोहावट कस्बे का सैकड़ों वर्ष पूर्व में एक समृद्ध आर्थिक और व्यापारिक इतिहास रहा है। यहाँ आज से 200 वर्ष पूर्व में पत्थर पर बेजोड़ कलाकृति उकेर कर बनाई गई प्राचीन हवेलियां लोहावट की समृद्धि की गवाह है। पुराने बाजार के मुख्य चौक में ही ढाका गोत्र की कुलदेवी राही सती का मंदिर है। इस मंदिर में लोहावट के सभी जाति वर्ग की गहरी आस्था है। यहाँ के सभी लोग अपना विशेष कार्य शुरू करने से पूर्व मंदिर में जाकर मत्था जरूर टेकते हैं। यहाँ से बाहर जाकर बसे लोगों ने अपने पूर्वजों के गांव लोहावट में कुछ वर्ष पूर्व एक स्नेह मिलन समारोह रखा था। इस समारोह का मकसद अपनी ही पीढ़ी के यहाँ रहे परिवारों के सदस्यों से मेल मिलाप, मंदिर में पूजा करने और आज की आधुनिक पीढ़ी को अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाना था। लेकिन धीरे धीरे हर साल भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को होने वाले इस स्नेह मिलन समारोह में देश भर और स्थानीय लोग हजारों की तादाद में आने लगे तो ये मेले में बदल गया। बुधवार रात्रि में मंदिर के सामने स्थित बगीची के बड़े परिसर में संतों के सानिध्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में कई कलाकारों की मधुर भजनों की प्रस्तुतियों पर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु देर रात तक झूमने को मजबूर हो गए। गुरुवार दिन में पर्यावरण शुद्धि के लिए योग गुरु लाल दास धवा के सानिध्य में हवन और शब्द वाणी के 120 शब्दों का पाठ कर महाआरती की गई। हवन में लोगों ने घी, नारियल और गुड़ की आहुति देकर विश्व कल्याण व सुख समृद्धि की कामना की। मेले के दौरान धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। धर्म सभा में संत लाल दास ने प्रवचन देते हुए कहा कि आज के प्रदूषित वायुमंडल के लिए हवन एक वरदान की तरह है। दुनिया के देश के कई तरह के गैस उत्सर्जन कर वायुमंडल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिक सदियों से हवन कर वायुमंडल को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। भारत और नेपाल के अलावा किसी भी देश में हवन नहीं किया जाता है। वहीं धर्म सभा को संबोधित करते हुए फलौदी विधायक मास्टर पब्बाराम विश्नोई ने लोगों को लोहावट के उनके इतिहास और सांस्कृतिक वैभव बताते हुए कहा कि आज कई प्राचीन संस्कृतियों का दुनिया से नामो निशान मिट गया है, लेकिन भारत की सनातनी संस्कृति को सदियों से मिटाने के कई प्रयासों के बावजूद ये बची हुई है। इसका मुख्य कारण भारत की परिवार व्यवस्था है। जो अपने इतिहास को भूल गया वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से विलुप्त हो गया है। आज के आधुनिक युग में इस तरह के आयोजन ही आने वाली पीढ़ी को अपनी संपन्न परंपराओं पर चलाते रहेंगे। धर्म सभा के दौरान सरपंच मंगला राम ढाका, गंगाराम जोधाराम, लादूराम ढाका, जालाराम मास्टर पुखराज ढाका, महिपाल सिंह, अनुजा विश्नोई, मंगनी राम ढाका सहित देश भर से हजारों श्रद्धालु यहां मौजूद थे। खड़े हैं लोहावट विश्नोई आवास में और यहां पर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। आइए इस बारे में यहाँ के स्थानीय मेला कमेटी के सदस्य श्री पुखराज ढाका से बात करते हैं। पुखराज जी, ये धार्मिक कार्यक्रम कब से हो रहा है और कहां कहां से ये लोग यहां पे आते हैं? हमारे यहां धार्मिक कार्य तो गत 10-12 साल से होता आया है, लेकिन 5 साल से हमने इस मेले का रूप दिया है। जो भाद्रपदी चौथ को हम गणेश चतुर्थी, हमारे दादी शक्ति का जो दिन है उस दिन हम मनाया जाता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष के लोग आते हैं जिनका मूल गाँव हमारे ढाका गोत्र का लोहावट है। लोहावट से जाकर के बाड़मेर, जिसमें सबसे ज़्यादा बाड़मेर और जालौर से लोग यहाँ आते हैं। हमारे लोग मद्रास, चेन्नई, कर्नाटक,
गुजरात और हरियाणा पंजाब के अंदर भी बसते हैं, या ढाका गोत्र के पूरे हिंदुस्तान में लोग जहाँ बसे हैं वो सारे आज इस दिन यहाँ आकर के मेले के रूप में नादी शक्ति राई शक्ति जो 1637 के अंदर शक्ति हुई थी अपने पुत्र को गोरक्षा में काम आने के बाद में उनके पीछे शक्ति हुई थी उसके संबंध में समस्त ढाका परिवार जहाँ भी कहीं बसे हैं जिनका मूल गाँव पैतृक गाँव है वो लोहावट है और लोहावट आकर के शक्ति को सदा सुमन अर्पित करते हैं। तो आपने सुना ये ढाका गोत्र है जो विष्णु समाज का ही एक गोत्र है, यहाँ के लोग जो देश भर में पहले जाकर के बस गए थे बाहर वो अपनी जड़ें पुनः तलाशने यहाँ पे अपने मूल गांव में आते हैं, यहाँ पे उनके पुराने घर भी है तो लोग यहाँ पर आकर के एक स्नेह मिलन भी कह सकते हैं जिसको कई साल पहले जो स्नेह मिलन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और इस समय ये एक बड़े विशाल मेले का रूप ले लिया है और बड़े दूर 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 से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपने मूल गांव में अपने भाइयों से उनका मिलन होता है। इस तरह से ये धार्मिक कार्यक्रम होता है। कल रात को यहाँ पे भजन संध्या थी जिसमें हजारों की संख्या में और आज सुबह यहाँ पे हवन पाहल व 120 शब्दों का पाठ किया गया जिसमें हजारों लोगों ने नर नारियों ने बच्चों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। शिव प्रकाश ढाका, सत्यमेव न्यूज, लोहावट। आइए इस बारे में बात करते हैं सत्यमेव की प्रधान संपादक निर्मला राव से जो खुद लोहावट के मूल से जुड़ी हुई हैं। जी मानसी, मूल रूप से मेरी जड़ें लोहावट से जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी का जन्म स्थान भी लोहावट ही रहा है। दरअसल जितना कुछ मैंने लोहावट के बारे में सुना है ये ऐतिहासिक रूप से कई समय पहले कई सदियों पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है ऐतिहासिक दस्तावेजों में, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से, क्योंकि चीन और अरब देशों में जाने के लिए जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं लोहावट को भी प्रभावित करता था। इस रास्ते से जाता तो व्यापारिक गतिविधियां भी यहाँ पे काफ़ी होती थी तो इस हिसाब से ये काफ़ी समृद्ध माना जाता था। यहाँ के जो व्यापारी गण थे उन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जगह जगह पहुँच कर व्यापारिक परचम लहराए हैं। व्यापारिक रूप से समृद्ध व्यापारी गणों ने लोहावट में ऐसी ऐसी हवेलियाँ बनाई हैं जो स्थापत्य कला का बहुत नायाब नमूना है। पत्थर पे की हुई नक्काशी जो आज भी देखते हुए बनती है, इतनी सदियां बीत गई, इतने साल बीत गए उसके बावजूद इनकी खूबसूरती देखते बनती है और जब इन धरोहरों को हम देखते हैं तो ये अपनी शान की कहानी खुद कहती है। जहां तक लोहावट की बात की जाए तो लोहावट एक ऐसा गांव था जिसे रियासत काल से खालसा यानी कि स्वतंत्र गांव का दर्जा दिया जाता था। स्वतंत्र गांव यानी कि वो किसी भी प्रकार से बाधित नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है और किसी भी प्रकार का कर जो राजा लेते थे वो दूसरे गाँव के मुकाबले जो लोहावट के किसान थे उनसे काफ़ी कम कर लिया जाता था, उसका नाम मात्र कर लिया जाता था। ये लोहावट के लिए एक बहुत गर्व के विषय हो सकता है, बहुत गर्व की बात हो सकती है। और आज के दौर में जब जगह जगह लोहावट के प्रवासी फैले हुए हैं पूरे देश में विदेशों में तो एक समय एक निश्चित किया जाता है कि इस दिन सारे लोग एकत्रित होंगे, ये सारे लोग आते हैं, ये सारे प्रवासी इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपने पूर्वजों की धरोहर की देखभाल करते हैं कि अभी भी वो सुरक्षित हैं या नहीं, उसकी सार संभाल करते हैं। तो पहले एक प्रयोजन के हिसाब से आना था और अब का वक्त ये एक उल्लास का स्वरूप बन चुका है, ये उत्सव का कारण बन चुका है। तो ये मेला भी कुछ वैसी ही सोच के साथ इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं।